एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादेंद्र चौहान, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। अब इस वीडियो में एक टेस्ट करने वाले हैं भाई, पावर टेस्ट। अब भाई प्रैक्टिकली पावर टेस्ट करेंगे, जैसे कि हमारे पास वैगनार है और वैगनार में 1 लीटर सीएनजी और पेट्रोल इंजन। भाई ये सीएनजी से भी चल सकती है और पेट्रोल से भी चल सकती है। अब मेनली भाई ऑन पेपर्स तो बात कर लेते हैं भाई। सीएनजी 56 बीएचपी अप्रोक्स पावर निकालती है और पेट्रोल में भाई ये निकालती है 67 बीएचपी। अब ये ऑन पेपर तो हो गया, अब ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल देखते हैं कि हाँ भाई प्रैक्टिकल में फर्क आता है 10 बीएचपी का क्या होता है, 10 बीएचपी का मीनिंग भाई कैसे। अब ये टेस्ट कैसे कर रहे हैं भाई हम, तो टेस्ट में ये रहेगा, जो आपको ये थोड़ा सा स्लोप दिख रहा है, पहले तो भाई ये कच्चे से पूरे रोड पे चढ़ाऊं, जैसे रोड दिख रहा है रोड पे लेंगे बिना रेस दिए हुए। पहले तो भाई इसको मैं पेट्रोल में करूंगा, फिर एसी के साथ भी करूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको एसी ऑन का। जैसे कि पेट्रोल में करूंगा, पहले तो विदाउट एसी करूंगा, फिर पेट्रोल से एसी के साथ करूंगा। जैसे भाई एसी का भी कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर चलता है तब इंजन पे और जोर पड़ता है, जोर पड़ते शायद बीएचपी डाउन होती है, वो प्रैक्टिकली आप देख लेंगे। फिर सीएनजी में करेंगे, फिर सीएनजी में एसी में करेंगे, मतलब पूरा लोड देंगे। अब फिलहाल तो इस पे करके देख ले, एक अपने पास प्रॉपर रोड का मतलब स्लोप रहेगा उस पे भी करेंगे, वो थोड़ा आगे, पहले प्रैक्टिकली इस पे देख ले बिना देरी किए हुए। तो भाई अपन बैठते हैं गाड़ी में। अब भाई फिलहाल तो देखो ये सीएनजी में स्टार्ट थी, अब पेट्रोल का 3 बार सीएनजी की हाफ टंकी है। तो भाई अब इसको मैं कर लेता हूँ, ये स्विच मिलता है यहाँ पे, तो इसको दबाओगे ना आप, ये पेट्रोल में स्विच होगी, जैसे कि अब ये पेट्रोल लिखा होगा। अब मैं दबा दूँ दोबारा, जो सीएनजी पे गया ना वो, तो इसलिए दोबारा आप पेट्रोल पे कर लेते हैं। अब ये पेट्रोल पे हो गया भाई, तो फर्स्ट गियर में पहले तो अब एसी चल रही थी, अब विदाउट एसी करेंगे भाई, बिल्कुल एसी होगी बंद। आप जैसे कि देख पा रहे हो ना, ये बंद कर दिया, ये ऑन है, ये आ गया, अब ये ऑफ। तो भाई बिना, मेरा सेम रूटीन रहेगा आपको जो बताया था, ओनली क्लच पे उठाऊंगा गाड़ी को, क्लच पे ही रोड पे जाएगी। ये नहीं है कि अब हाफ क्लच में भी नहीं रखूंगा, मैं पूरी छोड़ दूंगा। फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन करती भाई, भी क्लच पे चलती है भाई, छोड़ दिया ठीक है। अब ये मैंने चल रही है, आप देख सकते हो भाई स्ट्रगल कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बंद होगी, पर शायद कर गई भाई, क्रॉस कर गई भाई, सच में क्रॉस कर गई। मेरे को तो लग भी ना रहा था, एक टाइम पे तो ऐसा आया कि हाँ भाई बंद होगी भाई, गाड़ी रोड पे आ चुकी है आपके सामने, मेरे ने कोई ना रेस दी ना कुछ दी, जैसा कि देख रहे हो आप। अब कर लेते हैं भाई एसी के साथ सेम प्रोसेस में, आप चलते हैं पीछे, सेम यहीं से चढ़ाएंगे जहां से ये ट्रैक था ना अपना, वहीं से चढ़ाएंगे। अब पीछे लगा दिया भाई, देख रहे हो ड्राइविंग, बिल्कुल वहीं पे लेके आ चुका हूँ। अब भाई इसका एसी के साथ करेंगे, बिल्कुल वही रिपीट रहेगा, अपन रेस नहीं देंगे, एसी चला लेते हैं। देखो आवाज में भी चेंज है ना, हल्का सा कट कर रहा है वो कंप्रेसर चला, अब टू पे कर लेते हैं भाई, इसका तो फर्क नहीं पड़ता, मेनली इसका ही पड़ता है, ऑन कर दिया तो कंप्रेसर चल गया। अब फर्स्ट गियर पेट्रोल में है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, पेट्रोल में क्लिच छोड़ा, रेस नहीं दे रहा हूँ भाई मैं। अब एक बात बताऊँ, इसने आरपीएम भी उठा लिया, जैसे का क्लच पहले लो आरपीएम पे थे ना, कंप्रेसर ऑन होने थे, आरपीएम भी उठा लिया, देखो आराम से चढ़ गई, कोई ना रेस दे रहा मैं, बिल्कुल आराम से चढ़ गई, आरपीएम भी अप कर लिया भाई, कंप्रेसर जैसे ऑन हुआ ना। अब मेनली बात आता है, हाँ सीएनजी में चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, तो भाई अपन कर लेते हैं इसको फिर से बैक। अब बैक करके असली रिजल्ट देखते हैं कि 10 बीएचपी का फर्क क्या होता है, मैं भी देखना चाहता हूं। तो भाई आप कर देते हैं एसी ऑफ, कर लेते हैं इसको सीएनजी में, अब देखो वो लिखा आ गया सीएनजी। तो चलो भाई फर्स्ट गियर डाला, अब मैं रेस नहीं दूंगा, एसी ऑफ है भाई, पहले मैं एसी ऑफ था ही, उसके बाद करेंगे फुल लोड भाई, चेंजमेंट तो आई है देखो, हाँ छोड़ दी भाई। अब देखो चढ़ाई है थोड़ी सी, मतलब भाई प्रॉपर चढ़ाई पे तो ये चढ़ाएगी भी ना, देखो भाई स्ट्रगल आवाज भाई बंद होगी, देखो भाई फर्क देखा आपने, और वही सेम जगह है जैसे कि अभी देखो बिल्कुल बंद हो गई, लाइट्स भी आ चुकी है, जैसे कि देखो भाई मेन बीएचपी का फर्क है, देख लो आप भाई। ऑन पेपर हम बात कर लेते हैं, आज मैंने प्रैक्टिकली बीएचपी का फर्क बता दिया पावर का, जैसा कि देख रहे हो भाई। अब ये इसमें ही नहीं चढ़ी,
एसी चला के तो क्या चढ़ेगी, बिल्कुल विदाउट एसी नहीं चली, तो एक बार भाई फिर से ट्राई करते हैं। तो भाई मैंने बता रहा था ना आपको, जगह भी चेंज नहीं करी भाई, वही जगह यहीं से गई है, पेट्रोल वाली बी कन्वर्टर से पेट्रोल में करके चढ़ाया है, वही सेम इंजन, बस फ्यूल का फर्क था। फ्यूल का फर्क देख लो भाई, बीएचपी का भी फर्क देख लो और फ्यूल का भी फर्क देख लो भाई, पेट्रोल में पावर ज्यादा आती है, सीएनजी में कम। अब मैं एक बार फिर से एक बार चढ़ा के और दिखा देता हूँ आपको भाई, फर्स्ट गियर मैं खुद देखना चाहता हूँ, फर्स्ट गियर लगाया, सीएनजी में गाड़ी है आपकी, ठीक है भाई, एसी ऑफ है, ऑफ है एसी, अब ओनली क्लच पे, मैं रेस नहीं दूंगा, चल रही है देखवा रहे हो भाई, स्ट्रगल देखना, ए बंद, देखो झटका मार के बंद। अब भाई ये कहाँ से चढ़ेगी एसी पे, मैं एसी पे आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, एसी पे करता हूँ अब की बार, क्या पता आरपीएम उठा के चढ़ जाए देखते हैं भाई, पता नहीं आरपीएम उठाती है उसमें, अब चला लेते, गर्मी भी लग रही है भाई, वाओ एसी चला लेते भाई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अब ऑन कर लिया भाई, फिर से आरपीएम उठता है भाई गाड़ी में, अगर आपको कार एंथुजियाज या कार लवर हो ना तो भाई पक्का उठता है। तो भाई क्लच छोड़ दिया, सेम रिपीट, फर्स्ट गियर में ही है, अब भाई इसमें मेरे को थोड़ी सी तेज उठी है, तो यार फर्क है, फर्स्ट गियर है, सीएनजी पे गाड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, वही से चढ़ रही है मेरी, और ये लगा मेरे को बंद हो गया भाई, अब के चढ़ गई, देखो भाई सीएनजी में ही चढ़ी है, सीएनजी में ही, यहाँ से जैसे पेट्रोल की आई थी वहीं पे सीएनजी पे की आ गई भाई, शाबाश। अब सेम था ना, कोई मैंने रेस दी, जैसा कि आपको दिखाया, बस फर्क कितना रहा भाई, कंप्रेसर ऑन करने से भाई इस पे से चढ़ के आ गई, जहाँ के ये दिख रहा है ना, ये कंप्रेसर ऑन करने से इसका जो आरपीएम है ना वो अप हो गया, आरपीएम अप होने से भाई थोड़ा सा पावर फिगर आप, यानी जैसे जितना आरपीएम खींचोगे ना उतनी पावर बढ़ती है, मतलब आप रेस दोगे उतनी भाई भगेगी, तो इसने भी कंप्रेसर ऑन कर लिया ना, यानी एसी चला दी तो कंप्रेसर ऑन हो गया, और कंप्रेसर ऑन होने से पावर फिगर बढ़ गई, यानी पावर बढ़ गई सीएनजी में आने से, जैसे कि पेट्रोल में जितनी पावर आ रही थी ना बिना रेस दिए हुए, बिना कंप्रेसर ऑन, मतलब बिना आरपीएम अप किए हुए, उतनी पावर इसको उस पे आरपीएम बिल्कुल डाउन पे ही उतनी इनिशियल पे पावर, ये आरपीएम अप करके इसको पावर मिली है उतनी, जैसा कि आप देख सकते हो भाई। भाई मैं तो भाई पूरा इससे मान गया कि हाँ भाई बीएचपी का फर्क है भाई। तो भाई आपने इसमें देखा पावर फिगर, मैंने ऑन टेबल से ऑन पेपर से प्रैक्टिकली करके दिखाई है आपको, कुछ क्या कुछ फर्क रहता है, प्रैक्टिकली हमें पता ज्यादा होनी चाहिए, ऑन पेपर्स तो हम भाई अल्फाबेट को जज नहीं कर पाते, यानी जो भाई नंबर्स लिखे होते हैं वो ज्यादा नहीं मैटर कर पाते, हाँ देख के हम बोल देते हाँ भाई हाँ फर्क है, पर मेन प्रैक्टिकली ऐसे दिखाते हैं। और एक भाई ने पूछ भी रखा था टॉर्क टेस्ट करो, बीएचपी टेस्ट करो, वो मैंने कर दिया है। और भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, भाई फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।